दिए तो थे। अरे यार, कौन सी दुनिया में है? दिए थे ना, ठीक है, याद है ना। चलिए आप सभी इसमें क्वेश्चन निकाल लीजिए, जो हमने क्वेश्चन दिए थे अपन वही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो टैली को ओपन करेंगे, एस्केप की के द्वारा बैक जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे किसी और के नाम की कंपनी आ रही है, उसको क्या करेंगे? बंद। कैसे? अल्टर F1, क्रिएट कंपनी पे जाकर एंटर कर देंगे। तो अपन यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, कुछ अच्छा सा ये दे देते हैं। और आप कितनी तारीख के साथ एंटर करेंगे? एंटर। बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन सभी को फिल करना आती है, कंट्रोल से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलिए। आपने व्यापार प्रारंभ किया है 8 लाख रुपए लगाकर, तो कैपिटल मतलब पूंजी लगाई आपने, तो पूंजी मतलब कैपिटल। तो पहले क्या करेंगे आप कैपिटल का? लेजर बनाएंगे। लेजर किससे बनाते हैं? एएलसी। ये वाली देखिए, अब यहाँ पे आप कैपिटल लिखेंगे। अंडर में ये कहा जाएगा? कैपिटल में। अब सेव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बाउचर एंट्री करनी है। बाउचर एंट्री करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? जी। तो आपका क्या है, यहाँ पे आपने कुछ माल खरीदा है तो उसकी एंट्री करनी है। चलिए अपन करते हैं। तो सबसे पहले बाउचर एंट्री के लिए प्रेस करेंगे और करते हैं। खरीदना मतलब करते। तो पार्टी नेम, पार्टी अकाउंट नंबर क्या जाएगा? कैश, क्योंकि नगद एंट्री है आप। एंटर। परचेज लेजर में परचेज, तो अल्टर किसी आप उसका लेजर बना लेंगे। बस बस, दो प्रोजेक्टर है। तो प्रोजेक्टर का पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो अल्टर सी, हम यहाँ पे प्रोजेक्टर लिख देते हैं। एंटर। अब ये अंडर में कहाँ जाएगा? अब आप इसका ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप कैसे बनाएंगे? अल्टर सी। एंड एलआईसी में आप कंपनी नेम, मॉडल नंबर जो भी कुछ देना है आप वो दे सकते हैं, ठीक है। एंड पर अगर ग्रुप में तो आप सभी को पता है कंपनी तो सेम हो जाती है, तो मॉडल नंबर तो चेंज हो जाएगा आपका। चेंज हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा, चेंज जाएगा। ठीक है। यूनिट में क्या करेंगे? तो अल्टर सी से पीस ले लेंगे। हम यहाँ पे पी ले लेते हैं सिंबल, अदरवाइज आप क्वांटिटी
साथ जीएसटी है और डिस्काउंट भी है तो क्या करेंगे आप, टोटल अमाउंट पे नीचे लेकर आएंगे पहले तो। कैसे? एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट पर लेजर बनाएंगे तो अल्ट सी हम शॉर्ट में लिख देते हैं या पूरा लिखे बताइए, शॉर्ट में लिख दें। अब ये अंडर में कहाँ जाएगा, मिल रहा है आपको तो इनडायरेक्ट इनकम एंड कितने रुपए, 2% है सॉरी। अब यहाँ पे आपको करें कितने परसेंट डिस्काउंट है आपका, 2%, तो -2 लिख देंगे आपको तो कैलकुलेशन नहीं करना रहेगा। ठीक है, एंड फिर आपका जीएसटी भी है तो अल्टर सी से आप जीएसटी का लेजर बना लेंगे। एंटर एंटर, ये कहां जाएगा आपको, ड्यूटी एंड टैक्स एंड यहाँ पे आप अदर रहने देंगे, यहाँ पे कितना परसेंट, 3। जैसे आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ से आपको ऑन टोटल सेल्स करना है तो ये आपका अमाउंट कैलकुलेशन करके आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, माल बेच रहे हैं आप, तो बेच रहे तो किस वाउचर में होगी, सेल्स में। क्वेश्चन क्या है, दो प्रोजेक्ट कर बेचिए, पार्टी नेम में नगद है या उधार, नगद। ठीक है, सेल्स में क्या आएगा, सेल्स लेजर में सेल्स, तो अल्ट्रा सी से आप सेल्स का लेजर बना लेंगे। ये कहां जाएगा आपका, सेल्स अकाउंट में, दो प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ का प्रोजेक्ट आपने कितने खरीदे थे, 2, तो 2 ही आप बेच रहे हैं। एक का रेट कितना है, 52,000 एंड अरे क्वांटिटी आएगी यहाँ पे आप बोल भी नहीं रहे, तभी हम सोचे वो नेगेटिव का डायलॉग बॉक्स क्यों आया। नेक्स्ट फिर क्या है, 3 कैमरे, तो कैमरे तो अपन ने खरीदे ही नहीं थे और अपन बेच रहे हैं तो पहले स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे अल्ट्रा सी से ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, 3 कितने, 3, एक का रेट 9,000। अब यहाँ पर नेगेटिव स्टॉक का डायलॉग बॉक्स दिया था क्यों, क्योंकि अपने पास है नहीं है और अपन सेल्स कर रहे हैं, और भी है। ठीक, अब क्या है, गोडाउन वाली। ठीक है, अब आप यहाँ पे गोडाउन में ट्रांसफर करेंगे आपका जो स्टॉक है उसको, तो हमने प्रोजेक्टर भी दिया था ट्रांसफर करने के लिए, पर आपने हमें याद नहीं दिलाया कि हमने पीसेस तो ओनली 2 ही दिए थे, अब आप ट्रांसफर कैसे करेंगे बताइए, किस तरीके से काम कर देते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, आप बोल दिया करे कि अगर अपने बेच देंगे, देखिए पहले तो अपने खरीदे फिर अपन ने बेच भी दिया, अब अपने पास है ही नहीं है तो ट्रांसफर कैसे कर देंगे। अब हम तो क्वेश्चन बोलते गए थे हमें याद नहीं रहा कितने दिए, हमें लगा हमने ज्यादा दिए तभी हमें यहाँ पे थोड़ा ऐसा लगा कि हमने 2 दिए बस। चलिए कोई बात नहीं, अपन करते हैं, तो पहले तो गोडाउन एक्टिवेट करनी रहेगी आपको, तो कैसे करेंगे, F11। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स, तो आप इन्वेंट्री फीचर्स करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं मेंटेनमेंट पर गोडाउन ऑप्शन आ रहा है, यस कर देंगे इसको एंड कंट्रोल से सेव कर देंगे। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप गोडाउन का आ रहा है एंड, हमने गोडाउन का नाम क्या दिया था, गोडाउन 1 और 2, कुछ नाम नहीं दिया जैसे बंसल गोडाउन या कुछ और शॉप पे अकॉर्डिंग नहीं दिया हमने, तो अपन इसी नाम से बना लेते हैं, गोडाउन 1 एंटर एंटर करके उसको सेव करते जाएंगे, फिर गोडाउन 2, तो अपन ने यहाँ पे गोडाउन क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब आपको ट्रांसफर करना है आपका स्टॉक, तो आपको मान तो कैसे करेंगे बताइए, ट्रांसफर करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री बाउचर, शॉर्टकट की क्या है, टी, टी मींस ट्रांसफर, बट बुक इसलिए है याद करने के लिए, टी मींस ट्रांसफर, लेकिन उसका असली क्या है, मतलब